हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज क्या हाल है आप सभी के, मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो आज फिर से आपका स्वागत है एक नए एवरेज टेस्ट वीडियो पे। और आज जिस गाड़ी का हम एवरेज नापेंगे वो गाड़ी कोई और नहीं, अपाची 310 RR है और वो भी अपने नवीन भाई की है। सो मैं आपको एक बार गाड़ी दिखाता हूँ। सो ये रही अपनी गाड़ी, काफ़ी बढ़िया लुक है और रेसिंग टाइप का लुक है, काफ़ी बढ़िया लगता है। 310 cc है, हालांकि इसका जो फ्रंट नंबर प्लेट है वो टूट गया है, तो कोई नहीं वो भी सही करा देंगे। तो अभी वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और पेट्रोल निकालते हैं इसका। तो गाइस ये रही बोतल और ये रहा पाइप। सो अभी पेट्रोल निकालते हैं इसका, देखते हैं कितना पेट्रोल है इसमें। 2-3 लीटर के करीब तो पेट्रोल होना ही चाहिए। सो अभी पेट्रोल निकालना स्टार्ट करते हैं। So guys, अभी पेट्रोल निकलना स्टार्ट हो गया है, पूरा पेट्रोल निकाल लेते हैं गाड़ी का। फाइनली क्या हमने पेट्रोल निकाल लिया और ये रहा 1 लीटर पेट्रोल। सो वीडियो को बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको सीधे बाइक पे। सो गाइस फाइनली क्या है, गाड़ी पे आ गए हैं और अभी जो इसमें थोड़ा बहुत बचा कुचा पेट्रोल है वो ख़त्म करेंगे, फिर जो हमारी यात्रा है माइलेज टेस्ट की वो शुरू हो जाएगी। हो गया ख़त्म। सो गाइस फाइनली क्या है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। सो एक बार स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ मैं आपको, चलने दे चलने दे। सो एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हाँ उतर जा उतर जा। सो गाइस देखो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। सो 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं अभी इसमें, ये रहा पेट्रोल और इंजन में तो बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं दिखा रहा है। सो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिकेटर भी चल रहा है लो फ्यूल का। सो टैंक खोलते हैं, ध्यान से डालियो, एक ही बार में डाल दे झटके से, हाँ गेर दे। सो फाइनली 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया इसमें, और अभी जो मीटर एडजस्टमेंट है वो भी ज़ीरो कर देते हैं ट्रिप को, और मीटर नोट भी करा देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार। ट्रिप 1 जो है इसको सेट कर देते हैं। सो गाइस अभी क्या है कि इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया है और अभी तो गाड़ी क्या काफ़ी स्मूथ चल रही है, पर फ्यूल इंडिकेटर जो है वो अभी तक दिखा रहा है। और अब बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी जो है 310 cc है और जिस भाई की गाड़ी है उसका नाम नवीन है, और वो भाई मुझे कह रहा था कि भाई गाड़ी जो है मतलब मेरी जो गाड़ी है तकरीबन 25 तक का एवरेज देती है, और सिब्बू भी कह रहा था कि भाई 30 तक देगी एवरेज। तो देखते हैं भाई क्या होता है, मेरे ख्याल से तो 40 देना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है माइलेज टेस्ट में जो है गाड़ी हमेशा बढ़िया परफॉर्म करती है। जहाँ तक रही बात इसके एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड जो है हम तकरीबन 60-70 रखेंगे। CC आप जानते हो, ज़्यादा CC और ज़्यादा पावर होने के कारण क्या होता है गाड़ी कम एवरेज देती है, सो एवरेज में ड्रॉप आउट होता है। तो देखते हैं आज क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है। जहाँ तक रही बात मीटर अपडेट की, तो मीटर अपडेट जो है मैं आपको हर 10 किलोमीटर पे बताते रहूँगा। और तब तक तो भाइयों शुरू के जो 10 किलोमीटर थे वो काफ़ी हमने इजीली कवर कर लिए, और जहाँ तक रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी जो है अभी 11.2 किलोमीटर चल चुकी है जो कि काफ़ी बढ़िया है अभी।
और गाड़ी में अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है। गाइस 20 किलोमीटर जो है अपनी 310 ने काफ़ी इजीली कवर कर लिए, तो काफ़ी बढ़िया है। 20 किलोमीटर आसानी से कवर कर लिए और मेरे को अभी भी लग रहा है कि और भी 20 किलोमीटर कवर कर लेगी, जिसके साथ इसका एवरेज जो है 40 के अराउंड आएगा। और गाड़ी तो है अभी काफ़ी बढ़िया चल रही है और स्मूथ भी है, कोई भी ऐसा मतलब अनयूजुअल डिफरेंस पता नहीं चल रहा है गाड़ी में कि भाई पेट्रोल ख़त्म होने जैसा। तो देखते हैं अभी तक कितने देर गाड़ी चलती है और अब तक कहां तक जाएगी गाड़ी। सो गाइस फाइनली क्या है कि गाड़ी ने 30 किलोमीटर कवर कर लिया है और नवीन भाई और साथ ही सिब्बू भाई के जो अजम्पशन थे कि भाई 25 किलोमीटर देगी और 30 किलोमीटर देगी, सो उसको तो काफ़ी बढ़िया से क्रॉस कर लिया है। और अब जाके थोड़ा बहुत क्या है, गाड़ी जो है वाइब्रेट करने लगी है, मेरे ख्याल से 40 तो खींच लेगी जैसे तैसे करके, पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई कितना एवरेज देगी। और जहाँ तक रही बात स्पीड की, तो हम लोग स्पीड जो है 60-65 और 67 तक लास्ट जा रही है, तो कोशिश करेंगे यही स्पीड मेंटेन रखें ताकि बढ़िया से बढ़िया एवरेज हमें पता चले। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये वैसे एवरेज टेस्ट है और माइलेज टेस्ट में जो गाड़ी जो है हमेशा बढ़िया ही परफॉर्म करती है। सो ऐसा नहीं है कि भाई जो यहाँ पे मान लो अगर 40 का एवरेज देती है तो आपके मार्केट में भी गाड़ी जो है 40 ही देगी, वहाँ पे लगभग 10-15 किलोमीटर का ड्रॉप आउट हो जाता है किलोमीटर में, सो वहाँ पे थोड़ा कम देगी एवरेज। तो ये माइलेज टेस्ट है तो इसमें क्या है बढ़िया ही परफॉर्मेंस रहेगी गाड़ी की। तो फाइनली किलोमीटर जो है 35 किलोमीटर कवर कर लिया है और देखते हैं अभी कितना किलोमीटर और खींचती है गाड़ी। गाड़ी जो है थोड़ा मतलब अभी ड्रैग महसूस होने लगा है गाड़ी में और कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि वैसे वह फील आने लगा है जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हो गया हो। सो वेट करते हैं गाड़ी का कि कब गाड़ी बंद पड़ती है। सो गाइस अभी हमारे लेफ्ट साइड में जो है बुध इंटरनेशनल सर्किट है और गाड़ी भी यहीं पे बंद होनी थी, तो गाड़ी क्या है अब जवाब देने लगी है। तो देखते हैं अभी टोटल किलोमीटर्स क्या रहते हैं जब गाड़ी बंद होती है हमारी। सो अभी मेरे ख्याल से तो बंद पड़ गई है गाड़ी, पर देखता हूँ स्टार्ट करके क्या पता थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हो। एग्जैक्ट सर्किट के पास आके बंद हुई है। सो गाइस फाइनली क्या है कि पेट्रोल खत्म हो गया है और एक बार स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है भी या नहीं। सो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया इसका पेट्रोल फाइनली। सो जहाँ तक रही बात किलोमीटर की, तो मैं आपको एक बार बताता हूँ किलोमीटर इसने कितने कवर किए हैं। एक बार स्टार्ट करके देखते सिब्बू, क्या पता तेरे हाथों से हो जाए। क्या हुआ, ख़त्म हो गया? सो गाइस फाइनली क्या है कि अपने 310 आरआर अपाची का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और रही बात जहाँ तक किलोमीटर्स की, तो मैं एक बार आपको मीटर भी दिखाता हूँ, काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स है। सो ये देखिए मीटर, मीटर में जो है एग्जैक्ट दिखा रहा है 38.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 39 किलोमीटर गाड़ी ने कवर किए हैं। और गाड़ी बंद भी बहुत ही बढ़िया जगह हुई है, एक बार मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। सो मेरे पीछे जो है एग्जैक्ट जो है बुध इंटरनेशनल सर्किट पड़ता है रेसिंग ट्रैक, और रेसिंग ट्रैक के पास ही गाड़ी बिल्कुल ही आके बंद हो गई। तो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस था काफ़ी बढ़िया था, 38 किलोमीटर काफ़ी इजीली कवर किए, बीच में अचानक से ही गाड़ी बंद पड़ी। कोई भी मतलब थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो फील होता ही है जब गाड़ी में पेट्रोल कम होता है,
सो गाड़ी का परफॉर्मेंस जो था काफ़ी बढ़िया था और एवरेज टेस्ट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, 38-39 किलोमीटर काफ़ी बढ़िया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई मार्केट में इतना परफॉर्मेंस नहीं देगी, ये माइलेज टेस्ट था इसलिए इसमें बढ़िया परफॉर्म किया इसने। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जब लास्ट तक वीडियो देख ही लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।